लास्ट क्लास में केमिस्ट्री में अपन राउल्ट्स लॉ पढ़ रहे थे। तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है कि अगर मान लो कोई वोलेटाइल लिक्विड्स के बारे में मैंने आपको बताया पहले, तो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं ऐसे लिक्विड्स जो किसी नॉर्मल टेम्परेचर पर भी वेपर क्रिएट करते हैं, ऐसे लिक्विड होते हैं वोलेटाइल लिक्विड। तो मैंने लिया कोई कोई सॉल्यूशन हो, जैसे मैं एक बार नोट्स ले लेता हूँ, नोट्स से अपन वापस देख लेते हैं। राउल्ट्स लॉ में बताया मैंने कि मान लो कोई एक वोलेटाइल लिक्विड लिया ए और बी के पार्टिकल्स का, जिसमें एक्स ए के मोल फ्रैक्शन है, ए के अंदर जो लिक्विड स्टेट है उसके अंदर ए के मोल फ्रैक्शन है। ये चीज़ें ध्यान में रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड है और एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड है। ए और बी दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। पी ओ और पी बी क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ ए एंड बी है। ए और बी के पार्शियल वेपर प्रेशर है और यहाँ पे जब वेपर आएगी तो वो ए और बी की दोनों की मिक्स्ड वेपर होगी, जिसमें वाई ए और वाई बी मान लो ए और बी के मोल फ्रैक्शंस हैं इन वेपर फेज। फिर रॉल्ट्स क्या कहता है कि जो लिक्विड के अंदर जो लिक्विड स्टेट है उसमें ए के मोल फ्रैक्शन जो होंगे वो ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसके प्रपोर्शनल होंगे, बी का मोल फ्रैक्शन बी के पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल होंगे। प्रपोर्शनलिटी का साइन हटा, पी नॉट ए पी नॉट बी आया। फिर पी नॉट ए और पी नॉट बी के बारे में मैंने बताया कि अगर प्योर स्टेट में केवल ए ही मौजूद हो, यानी कि एक्स ए की वैल्यू वन हो, तो उस केस में पी ए जो है पी नॉट ए के इक्वल हो जाता है। यानी कि पी नॉट ए क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। पी नॉट बी हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। फिर कुछ एक चीज़ें देखी, एक्स ए प्लस एक्स बी वन होता है। पी टी अगर देखें कि टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा मिक्सचर के लिए, तो पी ए प्लस पी बी हो जाता है। तो पी टी बराबर आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, या फिर पी टी की वैल्यू अपन एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू जो वन होती है उस हिसाब से इसको वन माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी कुछ किया जा सकता है। तो पी टी का एक एक्सप्रेशन एक्स बी के टर्म्स में आया और पी टी का एक एक्सप्रेशन एक्स ए के टर्म्स में यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि वेपर फेज में, यानी कि जो वेपर है, जैसे ऊपर यहाँ पे वेपर मौजूद है ना, तो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ और ए एंड बी इन वेपर फेज, तो वाई ए तो हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, वाई बी हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो पी ए बराबर क्या ले लिया हमने, डॉल्टन्स लॉ यूज़ किया यहाँ पे, वाई ए इंटू पी टी, पी 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 बी बराबर वाई बी इंटू पी टी यूज़ किया और वाई ए और वाई बी के एक्सप्रेशंस आ गए पी ए अपॉन पी टी, पी बी अपॉन पी टी। फिर एक मैंने न्यूमेरिकल लिया कि बेंजील और टॉल्यूइन है, इनको जब मिक्स करते हैं तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन 1/4 लिया, टॉल्यूइन का कोई 3/4 है। बेंजीन का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर पी नॉट 400, पी नॉट टॉल्यूइन 600। तो यहाँ पे पी बेंजीन निकालना था, यानी बेंजीन का पार्शियल प्रेशर, टॉल्यूइन का पार्शियल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर निकालना था। पी टी बेंजीन का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन, बेंजीन के और टॉल्यूइन के वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। तो इतना सवाल था, इसमें मैंने सारे आपको वैल्यूज़ एक एक करके निकाल के बताए। मेन ये फॉर्मूले हैं, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, है ना, वाई ए वाई बी, ये सारी चीज़ें हमारी आराम से फॉर्मूले से हो जाती है। बहुत ही आसान से सवाल होते हैं, बस फॉर्मूले हमें ध्यान में होने चाहिए और फॉर्मूले कैसे आए रॉल्ट्स लॉ से वो हमें पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ से आगे लेता हूँ। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्ट्स लॉ। तो नेक्स्ट लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि ग्राफीय निरूपण लेते हैं राउल्ट्स लॉ का, ग्राफीय निरूपण। रॉल्ट्स लॉ को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहली बात तो रॉल्ट्स लॉ की इक्वेशन क्या आ गई, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ये तो पी ए की इक्वेशन थी। पी बी की इक्वेशन आई थी हमारे पास में पी नॉट बी एक्स बी, और पी टी की इक्वेशन आई थी पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी लेते हैं, तो यहाँ से पी टी इज इक्वल टू आया था पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट ए एक्स ए, पी टी इज इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी, ये आया था हमारे पास में। और यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू मैं वन माइनस एक्स बी लिख देता हूँ,
या फिर एक्स बी की वैल्यू वन माइनस एक्स ए लिख देते हैं। मान लो मैं इसकी वन माइनस एक्स बी लिख देता हूँ, वन माइनस एक्स ए लिख देते हैं, तो ये हो जाता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी को लिख देता हूँ वन माइनस एक्स ए। तो यहाँ से पी टी का जो एक्सप्रेशन बनेगा ये बहुत थोड़ा एक्स ए के टर्म्स में ही केवल बन जाएगा, पी नॉट ए माइनस में पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस में पी नॉट बी, ये पी टी का एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन से हमारे पी ए पी बी पी टी इन सब के, इन एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हुए मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। देखो ये ग्राफ थोड़ा सा स्पेशल टाइप का होगा, क्यों? क्योंकि इसमें जैसे एक्स एक्सिस तो है ही जी, यहाँ पे एक्स एक्सिस तो होगी ही, लेकिन एक्स एक्सिस के अलावा वाई जो है एक्सिस, यहाँ पे वाई हम दो तरह की एक्सिस लेने वाले हैं इस ग्राफ को प्लॉट करने में। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ऊपर वाला वाई एक्सिस हो गया। अब इस वाई एक्सिस के साथ साथ हम एक वाई एक्सिस और लेंगे ऊपर की ओर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे इस एक्सिस पे तो ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे इधर और इधर दोनों तरफ ले रहे हैं अपन मोल फ्रैक्शन। थोड़ा स्पेशल टाइप का ग्राफ है, हम दोनों तरफ यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लेने वाले हैं। इस एक्सिस पे हम पी ए लेने वाले हैं इस वाई वाली एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे हम लेने वाले हैं पी बी। इस वाली एक्सिस के ऊपर पी बी लेंगे, इस वाली एक्सिस पे पी ए ले लिया। इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन ले रहा हूँ मैं एक्स। अब देखो यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है और यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन है, इनमें क्या करते हैं अपन, यहाँ पे एक्स ए जो है ये तो है जीरो, यानी कि ए तो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, जीरो है। और यहाँ पे एक्स भी क्या ले लेते हैं, वन ले लेते हैं। मतलब हम क्या ले रहे हैं कि इधर से इधर जाते हैं तब तो एक्स ए बढ़ता है, और इधर से इधर जाते हैं तब एक्स भी बढ़ता है। हम क्या ले रहे हैं, एक तो केस ले रहे हैं इधर से इधर जाने वाला, इस केस में तो एक्स ए बढ़ेगा, और इस केस में एक्स भी इधर से इधर आता है तो बढ़ता है। इस केस में तो जो एक्स ए है ये बढ़ रहा है, और इस केस में इधर से इधर आने पर एक्स बी बढ़ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स ए जीरो है लेकिन यहाँ पे एक्स ए वन हो जाता है। यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू अपन ले लेते हैं वन, यहाँ पे है एक्स ए इक्वल टू वन है, और क्योंकि यहाँ से एक्स बी शुरू हो रहा है तो यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू क्या ली हमने, जीरो ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ए शुरू हुआ तो एक्स ए जीरो, यहाँ पे एक्स ए खत्म हुआ तो एक्स ए वन, क्योंकि मिनिमम वैल्यू एक्स ए की जीरो हो सकती है और मैक्सिमम वन हो सकती है। एक्स बी की मैक्सिमम वन हो सकती है, मिनिमम जीरो हो सकती है। तो मैं इस एक्स एक्सिस को, इधर वाली एक्स एक्सिस को, तो एक्स ए यहाँ पे बढ़ रहा है, और इधर वाली एक्स एक्सिस पे एक्स बी बढ़ रहा है। अब देखो मैं पी ए और एक्स ए के बीच में ग्राफ देखूँ, तो पी ए और एक्स ए के बीच में ग्राफ देखें तो ये कैसा ग्राफ होगा? ये ग्राफ पी ए और एक्स ए के बीच में, और पी बी और एक्स बी के बीच में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनमें कैसा ग्राफ है, ये वाई बराबर एम एक्स वाला ग्राफ है। यहाँ पे वाई बराबर एम एक्स वाला ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, है ना? वाई बराबर एम एक्स वाला ग्राफ का क्या मतलब हुआ कि जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होगा, है ना? पी ए ये तो हो गया वाई, और ये हो गया एक्स, तो वाई बराबर एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स। तो ग्राफ जो है हमारा कहाँ से पास होने वाला है, ओरिजिन से पास होने वाला है। तो यहाँ से ओरिजिन से निकलती हुई मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींच देता हूँ। ये तो ग्राफ किसका हो गया, पी ए और एक्स ए का ग्राफ हो गया। एक्स ए जीरो पी ए जीरो, एक्स ए वन पी ए कितना हो जाएगा, पी ए यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे हो जाएगा पी नॉट ए के बराबर। जब एक्स ए की वैल्यू वन हो जाती है तो पी ए बराबर क्या हो जाता है, पी नॉट ए हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है कौन सा हो जाएगा, पी नॉट ए वाला पॉइंट हो जाएगा। आई बात समझ में? अब ये ऐसा ही ग्राफ अपन एक्स बी के लिए निकालते हैं। देखो एक्स बी और पी बी, ये भी वाई बराबर एक्स एम एक्स वाला ग्राफ देंगे, लेकिन एक्स बी और पी बी का ओरिजिन ये है, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ भेजेंगे तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी जाएगी। तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा, पी ए और एक्स बी के बीच का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे एक्स भी जीरो तो पी बी भी जीरो, इधर से एक्स भी बढ़ रहा है तो पी बी भी बढ़ेगा, और मैक्सिमम यहाँ तक जब बढ़ा, जब एक्स बी की वैल्यू वन है, तो इस केस में ये हो जाएगा पी नॉट बी हो जाएगा ये वैल्यू। आई बात समझ में? तो ये पी नॉट बी हो गया, ये पी नॉट ए हो गया, ये पॉइंट क्लियर है। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे
अगर मान लो मुझे पीटी का ग्राफ देखना है, पीटी का ग्राफ अगर देखो तो पीटी का ग्राफ एक्स ए के साथ देख सकते हो। जब एक्स ए की वैल्यू मैं वन ले लेता हूँ, एक्स ए की वैल्यू मैं वन लेता हूँ तो एक्स भी जीरो होगा, तो पीटी बराबर क्या होगा, पी नॉट ए होगा। देखो मैं पीटी के लिए जब वैल्यूज देखूँ, एट एक्स ए इक्वल टू वन, एक्स ए इक्वल टू वन पे एक्स भी बराबर क्या है, जीरो है। एक्स ए इक्वल टू वन पे एक्स भी जीरो है, तो पी टी क्या हो गया, प्योर पी टी क्या हो जाएगा, प्योर पी नॉट ए के बराबर हो गया, हुआ या नहीं हुआ। और दूसरा केस, एट एक्स ए इक्वल टू जीरो, और जहाँ पे एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, वहाँ पे आप पी टी की वैल्यू देखो, तो पी टी यहाँ पे क्या होने वाला है, पी टी की वैल्यू देखो, यहाँ पे एक्स ए जीरो एक्स बी वन, तो पी टी इज इक्वल टू पी नॉट बी हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स हैं, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, यानी कि जो पीटी का ग्राफ है इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाला है। अब इन दोनों पॉइंट से गुजरने वाला है, और पीटी का एक्स ए के साथ रिलेशन देखें तो ये कुछ कुछ वाई बराबर एम एक्स प्लस सी वाला रिलेशन आ रहा है। कैसा आ रहा है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी वाला रिलेशन आ रहा है। ये तो हो गया सी, ये हो गया एक्स, ये हो गया एम, और ये हो गया वाई। तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ कुछ ऐसा आता है जिसमें इंटरसेक्शन वगैरह सब कुछ होता है हमारे पास में। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को जब मिला दूंगा तब मुझे किसका ग्राफ मिल जाएगा, मुझे पी टी का ग्राफ मिल जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, पी टी का ग्राफ हो गया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये तो हो गया पी टी का ग्राफ। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ये है ग्राफ किसका, पी ए पी बी का। तो पी बी बराबर क्या हो गया, पी नॉट बी एक्स बी। और ये ग्राफ किसका हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा पी नॉट ए का, पी नॉट ए का या पी ए का। तो ये ग्राफ हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है रॉल्स लॉ का। ये तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए है, ये है पी नॉट पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और ये हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये हमारे ग्राफ आ जाएंगे पी ए का, पी बी का, पी टी का। यहाँ पे देखो अलग क्या है, यहाँ पे एक्स एक्सिस ए की ली, लेकिन उस एक्स एक्सिस पे इधर से इधर बढ़ रहा है एक्स ए और इधर से इधर बढ़ रहा है एक्स बी। ये वर्टिकल एक्सिस है पी ए के लिए, ये वर्टिकल एक्सिस है पीबी के लिए। हमने तीनों इक्वेशंस के ग्राफ को एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर ले लिया है। पीए का ग्राफ ले लिया हमने, हमने कौन कौन सा ग्राफ लिया यहाँ पे, एक तो लिया पीए का, ये ग्राफ लिया, एक लिया पीबी का, ठीक है, और एक ले लिया पीटी का। हमने तीन ग्राफ एक ग्राफ पेपर में ले लिए और उससे हमारे पास सीधा ग्राफ आ गया। आई बात समझ में, बताओ क्लियर है ये चीज, ओके। तो ये हो जाएगा ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ, ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट लेते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग कुछ सॉल्यूशंस आइडियल होते हैं, कुछ नॉन आइडियल होते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। तो देखो क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, क्या होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे यहां पे ये जो राउल्ट्स लॉ था, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए होता है, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो रॉल्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो करेंगे, वो तो आइडियल सॉल्यूशन होंगे, और कुछ सॉल्यूशन होंगे जो रॉल्स लॉ को पूरा फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि उसमें पी ए जो है जितना आना चाहिए तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, पी बी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है पी नॉट बी एक्स बी से। तो रॉल्स लॉ का जो पूरी तरह से फॉलो करते हैं वो तो सॉल्यूशन होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, और जो रॉल्स लॉ का पूरी तरह से फॉलो नहीं करते वो होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो डिफाइन कर देते हैं इसको, द सॉल्यूशंस विच फॉलो रॉल्स लॉ
आर आइडियल सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो एक बहुत बड़ा चार्ट बनेगा, उस चार्ट में अपन सारी चीज़ें एक साथ ले लेते हैं। तो मैं इसको एक चार्ट के माध्यम से ही अपन इसको समझ लेते हैं, नॉन आइडियल एंड आइडियल सॉल्यूशन को। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, मैं एक टेबल बना लेता हूँ जिसमें अपन डिफरेंस कर लेंगे दोनों का। इस तरफ तो मैं ले लेता हूँ आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशंस, इसको बोलेंगे आदर्श विलयन, और दूसरी तरफ चार्ट में ले लेता हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अन आदर्श सॉल्यूशन, आदर्श अनादर्श विलयन। तो क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन और क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दोनों को अपन एक चार्ट लेंगे। उस चार्ट में डिफरेंस से अपन समझेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन आइडियल सॉल्यूशन तो वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, द सॉल्यूशन विच फॉलो रॉल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे, द सॉल्यूशंस विच फॉलो राउल्स लॉ, विच फॉलो राउल्स लॉ। तो वे विलियन जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस, आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस। तो जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे, विलियन जो राउल्स लॉ को की पालना करते हैं, विलियन जो राउल्ट नियम की पालना करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन होंगे। और दूसरी तरफ वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे, है ना, थोड़ा वहां पे गड़बड़ रहेगा, तो द सॉल्यूशन विच नॉट डू नॉट फॉलो द सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस विच डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो वे विलियन जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते, वे आदर्श विलियन कहलाते हैं, अनादर्श विलियन कहलाते हैं। वे विलियन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आदर्श विलियन या अनादर्श विलियन हो जाएंगे। तो पहला तो डिफरेंस ये हो जाएगा यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ये हमें डिफरेंस ध्यान में रखना है, सबसे पहला फर्स्ट डिफरेंस। अब देखो आइडियल और नॉन आइडियल में अगर आगे बात करें, तो यहाँ पे जो आइडियल सॉल्यूशन होगा रॉल्ट्स लॉ को पूरा फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे जो पी ए होगा उसे हम लिखेंगे पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी को लिखेंगे पी नॉट बी एक्स बी, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, तो पी बी हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी, पी हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव डिविएशन राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डिविएशन, एक तो होता है पॉजिटिव डिविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और एक होता है नेगेटिव डिविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव डिविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी दो कैटेगरीज हो जाती है, एक तो धनात्मक विचलन की आती है और एक ऋणात्मक विचलन की आती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। तो दो कैटेगरीज है, ये कौन सी कैटेगरीज है, पॉजिटिव डिविएशन नेगेटिव डिविएशन, इस पर अपन बात करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, और इसको बोलते हैं ऋणात्मक विचलन।
ठीक है। तो दो तरह के सॉल्यूशन है, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन। अब देखो पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन में भी डिफरेंशिएट करेंगे, और साथ साथ में अपन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का भी डिफरेंशिएशन हमारा चलेगा। तो जैसे यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए है और पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी है। जो पॉजिटिव डिविएशन वाला रॉल्स सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि जो हमें मिलना चाहिए था, जितना हमें मिलना चाहिए था उससे हमें ज़्यादा मिल रहा है हमारा वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। अगर मान लो जितना हमें मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मिल रहा है तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, पॉजिटिव डिविएशन रॉल्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अगर मान लो जितना मिल रहा था उससे ज़्यादा मिल गया है ना, जितना मिलना चाहिए था पी नॉट ए और एक्स बी, पी एक्स बी तो क्या था, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग इतना मिलना चाहिए था लेकिन हमें मिला ही इससे ज़्यादा, तो ये ऐसा सॉल्यूशन जो क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन रॉल्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। और नेगेटिव डिविएशन में डेफिनेटली क्या हो जाएगा, पी ए जो है जितना मिलना चाहिए था उससे कम हमें मिलेगा, पी नॉट ए एक्स ए। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है, ये एक्स भी नहीं होगी, ये एक्स है, इसको ध्यान में रखना, पी नॉट ए एक्स ए से छोटा मिलेगा पी ए सॉरी इस केस में, और जो पी बी है वो भी छोटा मिलेगा पी नॉट बी एक्स बी से, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन में। तो इन इक्वेशन से क्या क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है तो बता दो, पूछ लो, मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सी बात है, आइडियल के केस में तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और पॉजिटिव डिविएशन के केस में पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। नेगेटिव डिविएशन के केस में पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज ऑल्सो लेस देन पी नॉट बी एंड एक्स बी, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, इसका कारण समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई दिस अकर्स। देखो जब मान लो ए और बी को मिलाया, हमने किस किस को मिला रहे हैं अपन, एक ए को मिला रहे हैं हम बी के साथ में। जैसे मान लो ये ए है, मैं ए ले लेता हूँ, कुछ ए के पार्टिकल ले लेता हूँ और कुछ बी के पार्टिकल ले लेता हूँ। आप इधर ध्यान से देखना, जैसे कुछ पार्टिकल मान लो मैंने ए के ले लिए, ये ए के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इसको क्या करना है, बी के साथ मिलाना है। देखो ये पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, आइडियल नॉन आइडियल, ये सारा चीज़ें आपको एक साथ समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ ए और बी के मिक्सचर का, मान लो ए और बी का मिक्सचर है कुछ कुछ ऐसा, ये ए के पार्टिकल है ये सारे, ये तो सारे हो जाएंगे ए, ये ए है, ये ए है, ए ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, कहता हूं मैं जो तुम भी करो जी, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन। तो ये है बी, ठीक है, और ये है ए, तो ए बी ये पार्टिकल्स हैं। अब देखो ध्यान से समझना आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है। अब देखो ए और ए के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा, यहाँ पे ए और ए वाले जो पार्टिकल्स है उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा, और एक अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है बी और बी के पार्टिकल्स के बीच में। जब ए के पार्टिकल प्योरेस्ट स्टेट में थे तो ए और ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था, और बी जब अपने प्योरेस्ट स्टेट में था तो बी और बी के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। अब जब मिक्सचर क्रिएट होगा तब क्या लगेगा, ए और बी के बीच का अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है। इसको तो बोल देते हैं ए ए अट्रैक्शन या फिर ए ए इंट्रैक्शन, ए ए इंटरैक्शन, इसको बोल देते हैं बी बी इंट्रैक्शन, बी बी इंटरैक्शन, और इसको बोल देते हैं ए बी इंटरैक्शन। क्या बोलेंगे, ए बी इंटरैक्शन। तो जब देखो सॉल्यूशन मिलाया, सॉल्यूशन बनाया, जब हमने ए और बी दोनों को जब मिक्स किया तो पहले ए और ए एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, बी और बी अट्रैक्ट कर रहे थे, अब ए और बी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन, जो ए और ए के बीच में इंटरेक्शन था और बी के बीच में जो इंटरेक्शन था, वैसे ही टाइप का इंटरेक्शन ए बी के बीच में रहता है मिक्सचर मिलाने के बाद में, यानी कि ए और ए के बीच में मान लो 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा था,
बी और बी के बीच में भी कोई एक न्यूटन का लग रहा था, और ए और बी के बीच में भी अभी अट्रैक्शन फोर्स उतना ही लगता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिविएशन नहीं होगा, है ना, डिविएशन किसी भी तरह का नहीं होगा। भाई साहब देखो ये ऐसा समझो, ए को दूसरे ए ने पकड़ रखा था तो ए थोड़ा बहुत उड़ पा रहा था, है ना, बी को बी ने पकड़ रखा था तो बी थोड़ा बहुत उड़ पा रहा था, अब ए बी को मिक्स कर दिया तो ए को, ए की जो टांग पकड़ रहा है दूसरा ए, या फिर इस बार दूसरा बी पकड़ रहा है, वो उसी स्ट्रेंथ से पकड़ रहा है, तो ए उतना ही उड़ेगा जितना पहले उड़ रहा था, है ना। तो इस केस में तो रॉल्स लॉ पूरी तरह से फॉलो होगा। कौन से केस में, जब ए ए इंटरेक्शन जो है और बी बी इंटरेक्शन, जो बी बी इंटरेक्शन था सॉल्यूशन में पहले वाला, वो इक्वल है किसके, ए बी इंटरेक्शंस के, ए बी इंटरेक्शंस के। अगर ये बिफोर सॉल्यूशन जो ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन है वो आफ्टर द सॉल्यूशन ए बी इंटरेक्शन के इक्वल है, तब तो सॉल्यूशन क्या होगा, इसको बोलेंगे ए ए इंटरेक्शन, इंटरेक्शन इज एंड बी बी इंटरेक्शन बिफोर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन आफ्टर द सॉल्यूशन। ये तो हो गया आइडल सॉल्यूशन में। अब देखो पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन कब आएगा। अब पी ए और पी बी ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि ए ज्यादा उड़ के ऊपर आ रहा है, ए क्या हो रहा है ज्यादा ऊपर उड़ के आ रहा है ना। भाई पी ए ज्यादा कैसे हो गया, जब वेपर फेज में ए और बी के अमाउंट बढ़ गई। पी ए और पी बी ज्यादा कैसे हुए, जब वेपर फेज में ए और बी की अमाउंट बढ़ गई। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनना चीजों को, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है, तो पूरी तरह से एक एक लाइन को ध्यान से समझना कि यहाँ पे ए ज्यादा हो गया है बी ज्यादा हो गया है। क्यों हो गया है ए ज्यादा और बी ज्यादा, क्योंकि ए को अब पकड़ने वाला थोड़ा ढीला पड़ गया है और बी को भी पकड़ने वाला अब ढीला पड़ गया है। इसका मतलब क्या है, अगर ए बी इंटरेक्शन वीक है किसके मुकाबले, जो ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन जो पहले हो रहे थे उनके मुकाबले, अब जो ए बी इंटरेक्शन हो रहा है जब मिक्सर अपने मिलाया, तो उस केस में डिविएशन कैसा आएगा, पॉजिटिव डिविएशन आएगा। तो इस केस में क्या है, जो ए ए इंटरेक्शंस हैं और जो बी बी इंटरेक्शंस है, ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन जो बिफोर द सॉल्यूशंस थे वो ज़्यादा स्ट्रांग थे किसके मुकाबले, ए बी इंटरेक्शन के मुकाबले। क्योंकि अब ए बी इंटरेक्शंस वीक हो गया, तो वीक होने की वजह से अब ज़्यादा जो ए और बी के पार्टिकल हैं वेपर फेज में उड़ उड़ के आएंगे, उड़ उड़ के जब आएंगे ज़्यादा, तो आपको पी ए का पार्शियल वेपर प्रेशर और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर ज़्यादा मिलेगा। तो ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन अगर ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ए बी के कंपेरेटिवली, तब तो आता है पॉजिटिव डिविएशन। ये बात समझ में आई क्या, समझना समझने लायक बात है, ये ऐसी ही सिंपल सी बात नहीं है। अगर आप समझ ये देखिए कि ए बी इंटरेक्शन अब वीक है, तो ये जो कंटेनर है, मैं इसको कंटेनर में ही ले लेता हूँ, जैसे ये जो कंटेनर लिया हमने, मान लो ये कंटेनर है कोई हमारा, इस कंटेनर के अंदर ये देखो कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में अब ए को कौन खींच रहा है, मिक्सर बनने के बाद बी खींच रहा है, और बी को कौन खींच रहा है, ए खींच रहा है। अब यहाँ पे जब उड़ के बाहर ए और बी आएंगे, जब वेपर फेज में ए और बी आएंगे, यहाँ पे जैसे मैं ए ले लेता हूँ, हाँ यहाँ पे आ गया वेपर फेज में बाहर, और बी ले लेता हूँ वेपर फेज में यहाँ पे आ रहा है, तो जब ए और बी आप बाहर आ रहे हैं, तो उस केस में ये ज़्यादा कब आएंगे, जब इनको रोकने वाला वीक हो, तो ए बी इनको कम रोकेगा, तभी तो क्या होगा, ए की वजह से जो पी ए बनेगा, ए की वजह से जो पी ए बनेगा और बी की वजह से जो पी बी बनेगा, ये ज़्यादा हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो ए बी इंटरेक्शन है वो वीक है कंपेयर टू ए ए एंड बी बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। और इस केस में नेगेटिव डिविएशन में, यानी कि पी ए और पी बी इस बार कम मिला है, यानी कि हमें ए और बी की वेपर कम मिली है, यानी कि इस बार पहले जो ए ए इंटरेक्शन था और जो बी बी इंटरेक्शन था, अब जब मिक्सर बन गया तब जो ए बी इंटरेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, इसी वजह से अब ए की टांग को इसने, बी ने ज़्यादा तेज़ी से पकड़ा, और या फिर बी की टांग को ए ने ज़्यादा तेज़ी से पकड़ा, और उस वजह से हमें वेपर के अंदर जो ए और बी के पार्टिकल है वो कम मिल पाए। और कम जब मिले ए और बी के पार्टिकल वेपर के अंदर, तो ए और बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। तो इस केस में अपन क्या लिखेंगे, जो ए ए इंटरेक्शंस है और बी बी इंटरेक्शंस है जो सॉल्यूशन के पहले हो रहे थे वो ज़्यादा बड़े थे, ये केस हो जाएगा, वो लेस और उनसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन हो जाएगा,
अब ए बी जो इंटरेक्शन है, ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है सॉल्यूशन के मिलने के बाद, वो ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो ए बी इंटरेक्शंस आर मोर स्ट्रांगर देन ए ए एंड बी बी इंटरेक्शंस। यहाँ पे लिख दूंगा मैं ए बी इंटरेक्शन इन सॉल्यूशन आर मोर स्ट्रांगर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शंस, बी बी इंटरेक्शंस ऑफ बिफोर सॉल्यूशन। बिफोर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को बनाने से पहले की स्टेट में जो ए और बी बी इंटरेक्शंस थे उनसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन है, सॉल्यूशन बनाने के बाद में जो ए बी इंटरेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये लिख देंगे विलयन में ए बी आकर्षण ए तथा बी बी आकर्षण की तुलना में, आकर्षण की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होगा। तो बाद में क्या मिल रहा है, ज्यादा अट्रैक्शन मिल रहा है, पहले कम था जब वो प्योरेस्ट स्टेट में थे। और ऐसा यहां पे भी लिख लेना कि ए बी इंटरेक्शन इन सॉल्यूशन आर वीकर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शन। तो इसमें लिख लेना कि जो ए बी इंटरेक्शन है, ए बी आकर्षण ए तथा बी बी आकर्षण की तुलना में कमजोर होता है, कमजोर होता है। तो ये इसका कारण है। और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, जो ए ए है, ए बी इंटरेक्शन इज इक्वेलेंट, ए बी इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसमें हिंदी में लिख लेंगे ए बी आकर्षण, ए बी आकर्षण ए ए तथा बी बी आकर्षण के बराबर है, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक हो जाएगा, इसका कारण हो जाएगा, इन तीनों का कारण। आइडियल का कारण एक्सप्लेन कर दिया, नॉन आइडियल का एक्सप्लेन कर दिया। नॉन आइडियल में भी किस केस में पॉजिटिव डिविएशन होगा उसका हमने कारण जाना, नेगेटिव डिविएशन कब होगा उसका भी कारण जाना, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ एक पॉइंट्स और अच्छे अच्छे बनते हैं। जैसे मैं आइडियल, नॉन आइडियल पॉजिटिव एंड नॉन आइडियल नेगेटिव, इसमें कुछ और पॉइंट्स लेता हूँ। मैं इस चार्ट को और थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, देखो क्योंकि यहाँ पे और भी कुछ क्लासिफिकेशन आने वाले हैं। तो यहाँ पे तो देखो पहले कैटेगरी में तो आ गया आइडियल, पहले तो आ गया आइडियल, दूसरी कैटेगरी में आ गया नॉन आइडियल, और नॉन आइडियल में भी पहला है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। एक तो है पॉजिटिव डिविएशन वाला, है ना, पिछले वाले चार्ट को मैं वापस आगे ही ले रहा हूं, इधर है नेगेटिव डिविएशन वाला। अब देखो मैं नेक्स्ट जो क्लास जो डिफरेंस लेने जा रहा हूं, नेक्स्ट डिफरेंस को ध्यान से समझना, आगे और भी मैं इनके बीच में डिफरेंस को ले रहा हूं। तो नेक्स्ट आगे वाला डिफरेंस क्या है कि अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम जो है, या फिर जो चेंज इन वॉल्यूम होगा, है ना, अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो ए बी इंटरेक्शन, ए ए इंटरेक्शन, बी बी इंटरेक्शन है। तो पहले मान लो ए का वॉल्यूम वी वन था, जो ए का वॉल्यूम है वो वी ए है और बी का वॉल्यूम वी बी है। तो टोटल वॉल्यूम जो है मान लो मिक्सचर का, वो मिक्सचर हुआ, तो ये मिक्सचर का जो वॉल्यूम होगा टोटल, क्योंकि ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था, ए के बीच में ए ए अट्रैक्शन और बी बी अट्रैक्शन,
दोनों इक्वल हैं बाद में ए बी अट्रैक्शन के, तो इसका मतलब ए और बी का जो इंडिविजुअल वॉल्यूम होगा वो टोटल वॉल्यूम मिक्सचर के इक्वल होगा। लेकिन पॉजिटिव डिविएशन वाले केस में आप ध्यान से समझना, यहाँ पे ए बी के बीच में वीक अट्रैक्शन है। जब मिक्सचर बनाया तो ए और बी कम स्ट्रेंथ से अपनी और एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ए बी एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर जाएंगे। जो ए बी है वो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से दूर जाएंगे। बात ध्यान से समझना, ए पहले जो ए ए के बीच में अट्रैक्शन था और बी बी के बीच में अट्रैक्शन जो था, अब जब सॉल्यूशन बनाया तो जब ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा वीक नेचर का है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले जो ए और ए के बीच में स्पेस था और बी के बीच में जो स्पेस था उसके कंपैरेटिवली अब ए और बी के बीच में ज़्यादा स्पेस होगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, ए बी का कम हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा ना ए और बी के बीच में, क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ेगी, तो इस बार सॉल्यूशन एक्सपेंड करेगा। जो ए का मिक्सचर था और बी के मिक्सचर को अगर इंडिविजुअली मिलाएं तो उससे ज़्यादा बनेगा मिक्सचर का वॉल्यूम। इस केस में जो मिक्सचर का वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा ए और बी के इंडिविजुअल वॉल्यूम जो है उनके उनके साथ। ये वॉल्यूम का केस है, वॉल्यूम। तो आइडियल के केस में तो ए और बी का जो वॉल्यूम है वो मिक्सचर के वॉल्यूम के इक्वल होगा, लेकिन पॉजिटिव डिविएशन वाले के केस में मिक्सचर का वॉल्यूम ए और बी के वॉल्यूम से ज़्यादा होगा, और नेगेटिव डिविएशन वाले के केस में जो ए और बी का मिक्सचर वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा किससे, बी मिक्सचर से। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अब ए और बी के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ए और बी और ज़्यादा अपने पास में आएंगे ए और बी बी के कंपैरेटिवली, इस वजह से सॉल्यूशन कंप्रेस होगा। तो इसमें तो सॉल्यूशन कंप्रेस होगा, सॉल्यूशन विल कंप्रेस, इसमें होगा सॉल्यूशन विल एक्सपेंड, विल एक्सपेंड। इसमें तो सॉल्यूशन क्या होगा, फैलेगा, और नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन में कोई परिवर्तन नहीं, ये विलयन फैलेगा, इसमें विलयन सिकुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो ये चेंज आएगा वॉल्यूम के अंदर। ओके, तो अभी पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन अपना नेक्स्ट क्लास में भी चलेगा। अभी आज अपना क्लास का टाइम हो चुका है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, और यहाँ से अपन जो है कल, कल तो संडे है, तो परसों मंडे से अपन इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे और इसमें और चीज़ समझेंगे। हाँ।